देख रहे हैं जन्नत की दुकान न्यूज। सबको पता लग गया है कि तोता पिंजरे में है या तोता बाहर है जी। और अब तो सीबीआई के ही लोग कह रहे हैं कि सीबीआई लोगों को फिक्स कर सकती है जी। तो यानी इसका मतलब अभी तक फिक्स करती रही है लोगों को जी जी। तो ये सबको पता लग गया है कि सीबीआई किस दबाव में काम करती, कैसे करती है। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली सरकार के मंत्री बसकूर बस्ती के विधायक सत्येंद्र जैन ने संत नगर चौक गुरु बिरजानंद मार्ग के केंद्रीय ब्रज का नवीनीकरण का उद्घाटन किया तथा पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, स्थानीय दुकानदार व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मंत्री सत्येंद्र जैन का धन्यवाद किया तथा फूल मालाओं व शॉल भेंटकर उनका जोरदार स्वागत किया। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यहाँ पर जो पीडब्ल्यू रोड है उसका सौंदर्यकरण के लिए पेड़ लगाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। सेंट्रल बस का काम भी चल रहा है, तो इसी सारे काम का उद्घाटन। सर, मार्केट में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। हाँ, पार्किंग का सामने वाला प्लॉट पड़ा है, एमसीडी पिछले 10 साल से बनाने की कोशिश कर रही है जी जी। ये प्लॉट हमें दिलवा दो, मैं तुरंत बना दूँ, 6 महीने बना दूँ। क्षेत्र में सर क्या क्या काम, विकास काम करवाया सर अभी तक? देखिए, ऐसे एरिया के अंदर जितने भी पब्लिक वर्क्स हैं सारे चल रहे हैं, सड़कों के काम चल रहे हैं, सीवर के जहाँ भी प्रॉब्लम थी ठीक करा दी गई है। महावीर हॉस्पिटल को अभी 200 बेड से 600 बेड का काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। नया पॉलीक्लिनिक बना दिया है रानीबाग के अंदर, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं। सरस्वती विहार में पॉलीक्लिनिक स्टार्ट कर दिया है, रानी पश्चिम विहार में स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। अंदर गलियों की रोड सर बहुत जर्जर स्थिति में है सर। किसने बनानी थी? एमसीडी जी। बीजेपी ने लोगों से कहा था कि हमारे सारे पहले वाले काउंसलर बेईमान हैं, हम थोड़े ईमानदार काउंसलर ले आते हैं। देख लो ईमानदारों ने एक साल में क्या किए, एक भी सड़क नहीं बनाई उन्होंने, ना बना सकते हैं। अब हम बनवाएंगे लोगों की, परंतु इस बार बता के बनाएंगे। पहले भी हमने रानीबाग की 30 सड़कें बनाई थी, इन्होंने आके बोर्ड लगा दिए कि हम बना रहे हैं। होता क्या है कि एमसीडी की सड़क एमसीडी ही बनाती है, पैसे हम देते हैं। ठेकेदार एमसीडी के होते हैं, इंजीनियर एमसीडी के होते हैं, पर पैसा सारा हम देते हैं। जनता को पता ही नहीं लगता, जनता सोचती है एमसीडी ने बना दी। तो एमसीडी अगर बनाए तो उससे बनवा लो, उन्हीं का काम है। अगर वो ना बनाए तो मैं बना दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु हम पैसा देंगे और जनता को पहले बताएंगे। उन्होंने पेड़ का रोपणकरण और ये शिला का उद्घाटन के लिए सौंदर्यकरण करा था। उस कार्य को त्रिगमन आज कम्प्लीट हो गया था, तो उसके उद्घाटन के लिए आए जाएं। और रोड में काफ़ी इसमें तरक्की हुई है। हम सत्येंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी एसोसिएशन को सुंदर बनाने में उनका बहुत हाथ करा है, धन्यवाद। कितने दिनों में आपका काम पूरा हुआ, कितने दिन पहले गए थे जैन साहब के पास? जैन साहब के पास हम जिस टाइम भी मिले, उन्होंने हमारे बात सुनी है और हमारा काम किया है। जैन साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनके काम के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भाई ये समस्या है ना, सत्येंद्र जैन जी ने पहले भी वन वे कराया था और अब भी वन वे है, जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक वाला आता नहीं, ना उसको सुचारू तरीके से चलाता है। अगर हम ट्रैफिक वाले बुलाते भी हैं ना, तो ये चलान ज़्यादा करते हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा उठाते हैं, लेकिन गाड़ियाँ चलाते नहीं हैं। तो हम बड़े परेशान हैं, मार्केट में जो कस्टमर आते हैं उनको गड्डी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो मैं सत्येंद्र जैन जी को भी और जो भी हैं सारों सबका हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करा जाए, ताकि किसी को परेशानी ना हो। और जो ये अटरी पटरी लगते हैं ना भाई, इसके पटरी ये एमसीडी का कसूर है, एमसीडी वाले पैसे खा के पटरियाँ लगवाते हैं। तो कृपा करके, पटरी चलने के लिए होती है, जो 2000 बच्चे निकलते हैं स्कूल से उनको चलने के लिए जगह नहीं मिलती। इस बारे में आप एमसीडी के अधिकारियों या पार्षद से मिले अभी तक? हाँ, पार्षद तो खैर ऐसी बात नहीं है, वो काम करवाता भी है, करता भी है, हमारे को मना नहीं करता। लेकिन अब मुझे नहीं पता ये क्या चक्कर है क्या नहीं है। मैं दो जब से बना हूँ और पहले भी ये परेशानी बहुत तगड़ी चल रही है। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं उनको जगह नहीं मिलती यहाँ चलने के लिए, तो उनके माँ बाप भी कहते हैं अगर हमारे लिए इतनी भी जगह भी नहीं है, और उनके बच्चे तो पता नहीं अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हमें जगह तो मिले, हमारे बच्चों को सेफ्टी तो मिले चलने के लिए, वो भी नहीं मिलती। संत नगर चौक है, इसके ऊपर भी सारे आसपास के खोखे लगे हुए हैं, अब पता नहीं कौन पैसे खाता कौन नहीं खाता, हमें नहीं पता। तो
तो लेकिन हमारी परेशानी बहुत है, जिससे ट्रैफिक निकलने में बड़ी दिक्कत सी होती है। और संत नगर चौक पे कोई ट्रैफिक वाला नहीं होता, अगर हम बुलाते हैं तो वो चलान ज़्यादा करते हैं और गाड़ियाँ उठाते हैं। गाड़ी भी उठाएं या ना उठाएं मुझे नहीं पता, लेकिन वो ट्रैफिक भी तो चलाएं ना। अगर वो ट्रैफिक ही नहीं चला रहे तो आगे गाड़ी उठा के या अननेसेसरी किसी को परेशान करते हैं तो दिक्कत वाली बात है। कस्टमर को जगह नहीं मिलती, वो एक आधी गाड़ी यहाँ खड़ी कर देता है, तो पार्किंग की बहुत कमी है। कितने साल हो गए ये करते करते, भाई पार्किंग अपना ठीक कर लो, ठीक हो जाए तो बहुत दिक्कत है पार्किंग की भी। देखिए वैसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र का जब विकास होता है तो अच्छा लगता है, काफ़ी कर रहे हैं हमारे यहाँ सड़क के ऊपर, आज यहाँ हुए हैं, उद्घाटन हुआ है। पर मैं समझता हूँ इस उद्घाटन के साथ साथ बहुत से काम अभी भी यहाँ पर बाकी रह गए हैं। आप देखें किस तरह से ये सड़क PWD की है, मगर PWD के अधिकारियों का ये भ्रष्टाचार में बुरा हाल है। आप देखिए किस तरह से सड़क पे इंक्रोचमेंट से लेकर के और किस तरह से यहाँ दुकानदारों को परेशान करने से लेकर के और तरह तरह की यहाँ पे रेडियाँ खड़ी हैं, तरह तरह का यहाँ पर ये रिक्शास खड़े हैं, तरह तरह का यहाँ पे सुविधा के नाम पर PWD का कोई यहाँ पर सहयोग हमें ज़्यादा नहीं मिल पाता। इससे ज़्यादा बेहतर मिलना चाहिए। और इसके अंदर हम ये देखिए आज दिल्ली के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया मार्केटें बनी हुई हैं, इतने सुंदर सुंदर काम हुए हुए हैं, मगर जो शायद PWD के अधिकारी हैं मुझे लगता नहीं है कि इतना अप टू द मार्क जितना हमें चाहिए था उतना कर पा रहे हैं। मगर सत्येंद्र जैन जी के विषय पर कहना चाहता हूँ, वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छा कार्य करते हैं। और मैं पार्टी विषय पर जाना नहीं चाहता, मगर पार्टी पर यदि जाऊँगा तो बहुत सी बातें हैं, मगर देश के अंदर और दिल्ली के अंदर और रानीबाग के अंदर हम समझते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट की भी बहुत सा गुंजाइश है, बहुत काम बाकी हैं। मुझे याद आता है हमारे कांग्रेस के जब विधायक थे, बहुत से काम उन्होंने उस समय पर किए थे। तो हम चाहते हैं कि और भी काम की झड़ी लगे, प्रतिस्पर्धा हो काम की उसके अंदर। ये देखिए जिस तरह से ये रानीबाग की मार्केट सामने दिखाई देती है, हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं बन रही बनेगी बनेगी, मगर मुझे समझ में नहीं आता कब बनेगी। और अगर ये पार्किंग अगर ये बन जाएगी तो यहाँ के लोगों को सुविधा होगी। इस तरफ कोई कदम कोई डिपार्टमेंट नहीं उठा रहा। गंदगी के बारे में आप अगर देना चाहें तो चलिए मैं आपको दिखा के लाता हूँ क्या हालात बद से बदतर हैं। थोड़ी गंदगी की सफाई अभियान के ऊपर भी काम होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, यहाँ सत्येंद्र जैन जी का हम यहाँ पे तारीफ करना चाहते हैं, एज ए पर्सन अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा कार्य करते हैं और कोई किसी तरीके का भ्रष्टाचार उनका भी हमें सामने नहीं आया है। मगर जो और अधिकारी हैं उनको और ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है, मैं ये समझता हूँ। देख रहे हैं जनमत की दुकान न्यूज़।